फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्नोट्यूब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं S1 स्मार्ट वॉच और V8 स्मार्ट वॉच दोनों के अंदर कंपैरिजन करने वाला हूं, कौन सी वॉच आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकती है अगर आप दोनों में से कोई एक बाय करने के बारे में सोच रहे थे, और गाइस कौन सी वॉच के साथ आपको जाना चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या रहेगा। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद एकदम क्लियर आउट हो जाएंगी। आप अगर कोई वॉच लेना चाह रहे थे तो इन दोनों में से कौन सी आप लेने वाले हो, वो चीज़ आप डिसाइड कर लोगे इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो चलिए गाइस फटाफट से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस यार, अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्ट वॉच ले लेते हो ना, तो बिल्ड क्वालिटी में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये दोनों वॉच जो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई रहा हूँ, दोनों की दोनों जो है ना गाइस मेटल से बनी हुई है, मेटालिक इनका स्ट्रक्चर है पूरा, और गाइस स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। हालांकि गाइस S1 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो गाइस स्ट्रैप्स में ज़्यादा अच्छी है V8 से। और गाइस अभी जो है इन स्मार्ट वॉचेस को मैं ऑन कर लेता हूँ। बिल्ड क्वालिटी में याद रखना, कोई भी आप ले लो, बिल्ड क्वालिटी एकदम अमेजिंग रहेगी इन सभी स्मार्ट वॉचेस की, इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की। तो गाइस यार, ऑन करते ही आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस आया, वो ये है कि S1 स्मार्ट वॉच बहुत ही जल्दी ऑन हो गई, बहुत ही जल्दी बूट अप हो गई। और वहीं पे अगर हमारी V8 को देखो तो वो बहुत स्लो काम करती है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहने वाला है कि जो S1 स्मार्ट वॉच है वो अभी नई जनरेशन की है, वो अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी। हाल ही में मतलब कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन V8 से नई है, इस वजह से वो थोड़ा सा UI उसका बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। इस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर जो कनेक्टिंग वाला फंक्शन है वो अभी तक जो है V8 में चल रहा था, और गाइज हमारी S1 में कब का ख़त्म हो गया था। अभी गाइस बात कर लेते हैं हम लोग क्लॉक फेसेस की, तो मैं आपको फटाफट से क्लॉक फेसेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा S1 की, तो यहाँ पे हम लोग को 3 क्लॉक फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, मेरे तो मतलब फेवरेट हैं। आपका कौन सा था कमेंट में बता देना। अभी बात कर लेते हैं गाइज हम लोग V8 स्मार्ट वॉच के क्लॉक फेसेस की, तो यहाँ पर 3 क्लॉक फेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और तीनों जो है मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, काफ़ी पुराने हैं। बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज में यही क्लॉक फेसेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहीं S1 में थोड़े से यूनिक थे, थोड़े से हटके थे, इस जैसे S1 के ज़्यादा अच्छे लगे। अभी गाइज ये है इसका मेन मेन्यू, आप देख सकते हो। और यहाँ पर गाइज एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर जो डायलर है ना वो मुझे पर्सनली S1 का ज़्यादा अच्छा लगा। अब आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा वो आप कमेंट में बता देना। मुझे गाइज यहाँ पर डायलर जो है S1 का ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस यार, डायलर से हम लोग बाहर आ गए हैं, और गाइस यहाँ पर ना जो हमारी S1 स्मार्ट वॉच है इसके अंदर एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना वो हम लोग S1 में ज़्यादा क्लियर शो कर रहा है। और गाइस यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पर जितने भी ऐप्स हैं उनका एक एक कंपेरिजन मैं नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल जो मतलब इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और हाँ गाइस, यहाँ पर S1 में जो ब्लैक कलर की थीम इन लोगों ने दी है स्मार्ट वॉच के अंदर, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हम एक एक वर्ड मुझे क्लियरली दिख रहा है। वहीं पे V8 के अंदर गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है देखने में, तो इस वजह से S1 मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है किसी भी चीज़ के बारे में। तो गाइस यार, यहाँ पर आप देख सकते हो S1 स्मार्ट वॉच का जो कैलेंडर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, तो इस वजह से गाइस जो हमारा कैलेंडर है उसमें भी जो S1 है वो विन कर जाता है। यहाँ पर QR कोड भी देख सकते हो, काफ़ी स्टाइलिश तरीके से जो है हम लोग को S1 में गिवन है। कैलकुलेटर में तो गाइज़ मुझे V8 ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोग बताना कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगी वॉच। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर हम लोग को एक ऐप गिवन है जिसका कि नाम है थीम्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ S1 स्मार्ट वॉच में हमको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक पावर सेवर का ऑप्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ S1 स्मार्ट वॉच में हमको देखने को मिलेगी, हालाँकि V8 में भी आ रही है नए वाले मतलब जितने भी मॉडल्स हैं। उसके बाद गाइज अभी मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अंदर इसके, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग V8 स्मार्ट वॉच। अगर आप सोच रहे थे कि मैं S1 रिकमेंड करूँगा तो आप गलत हो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा फीचर है, वो इतना बड़ा है ना कि मतलब लिटरली गाइज आप तो S1 को मतलब छूओगे नहीं अगर आपको वो फीचर काफ़ी ज़्यादा प्यारा होने वाला है। तो गाइज वो फीचर है कैमरे का। आप देख लो S1 में हम लोग को कहीं पर भी कैमरा देखने को नहीं मिलता है, वहीं पर V8 में हम लोग को कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइज बस कैमरे की एक कमी है जो कि हम लोग को S1 में खटकेगी, लेकिन गाइज V8 स्मार्ट वॉच में हम लोग को कैमरा गिवन है, इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। लेकिन अब अगर आपको जो है कैमरा वगैरह यूज़ नहीं करना है तो आप S1 के साथ भी जा सकते हो। फिलहाल गाइज इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर माय फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्शन में सेकंड वाले चैनल का लिंक दिया है, जाके जरूर से देख लेना। बाय बाय।